आज मैं एक नया ओनरशिप रिव्यू लेकर के आया हूँ, जो कि ब्रिजा का VXI वेरिएंट है। ये आपके सामने खड़ा हुआ है VXI वेरिएंट, और करीब 5 महीने पुरानी गाड़ी है और करीब 3500 किलोमीटर चल भी चुकी है। चलिए सीधा आपका टाइम वेस्ट किए बगैर आपको ओनर के पास ले चलते हैं। तो ये आकाश जी हैं इस कार के ओनर, तो सर से ही पहले बात करते हैं। सर आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो सर ये आप कब गाड़ी ली थी सर आपने? मैंने यार ये ली थी अक्टूबर एंड में। अक्टूबर एंड, और कितनी रनिंग कितनी हो गई है? मेरी ऑलमोस्ट 3600 चल गई है। 3600 चल चुकी है, यानी कि आप एक फीडबैक देना चाहेंगे। सबसे पहले आप, मैं पूछूंगा सर्विस का फीडबैक कैसा रहा सर आपका, क्योंकि आपने फर्स्ट सर्विस करवा ली होगी, तो वहाँ पे कितना टाइम लगा है सर्विस में, सर्विस क्वालिटी किस तरीके की थी और कहाँ से करवाई थी? यार मैं मारुति, लोग कहते हैं कि मारुति में सर्विस क्वालिटी जो होती है वो बेकार होती है, या फिर मारुति वाले बिल्कुल भी इग्नोर करते हैं गाड़ियों को, बट मेरा जो सर्विस एक्सपीरियंस है वो पूरा उल्टा है। फर्स्ट सबसे अच्छी चीज़ है, आप शायद आप सब में बहुत कम लोगों को ये चीज़ पता हो कि मारुति की जो पहली 3 सर्विस होती हैं वो मारुति, अगर आप चाहते हैं कि आपको अगर शोरूम सर्विस सेंटर नहीं जाना है, वो आपके घर पे भी आके करते हैं। तो ये चीज़ शायद आप में से बहुत कम लोगों को पता होगी, और मारुति वालों ने भी शायद ना बताई हो। तो मैं अपनी कार की जो भी सर्विस कराता हूँ, फर्स्ट 3 सर्विस, मेरे घर में 2 ब्रीजा है, 1 स्विफ्ट है, तो तीनों मारुति की कार है। और मैंने पहले, मेरे पास XUV थी, उसको चेंज करके मैंने ये परचेज़ करी है उसको सेल करके। तो इसमें मेरे घर पर आए थे वो लोग, मैंने एक दिन पहले अपॉइंटमेंट बुक करी थी, और सुबह जब वो लोग आए तो उन्होंने पहली सर्विस पे तो नॉर्मल चेकअप होता है और बाकी वॉशिंग होती है, तो उनकी प्रॉपर वैन होती है, उसमें आके घर पे वॉशिंग करके गए थे और जो भी जनरल चेकअप होता है वो करके गए थे, जिसकी कोई भी कॉस्ट, एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है। तो अगर मतलब कम्प्लीटली आप सेटिस्फाइड थे? कम्प्लीटली सेटिस्फाइड हूँ मैं मारुति की सर्विस से। तो ये तो रही सर्विस की बात, अब मैं बात करता हूँ कार ब्रिजा को लेकर के, क्योंकि ब्रिजा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि आपने ब्रिजा ही क्यों ली जबकि मार्केट में बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी कंपटीशन में थी, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखो गाड़ी अगर आप मार्केट में इस रेंज में देखोगे, रेंज मतलब 8 से 11 लाख 12 लाख तक आप देखोगे, तो बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, शायद वो आप सब लोगों को ही पता है, गाड़ियों का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। बट ब्रिजा का मेरा प्रेफरेंस ये था इसलिए, क्योंकि अपने अगर कॉम्पिटिटर में आप देखेंगे, ब्रिजा के कॉम्पिटिटर में कोई भी कार 1500 सीसी आपको पेट्रोल इंजन नहीं देती है। बिल्कुल सही बात है। पहली चीज़ है कि ब्रिजा देती है। अगर आप ब्रिजा के बेस मॉडल पे भी जाते हैं जो कि LXi है, वो आपको पड़ता है ऑन रोड, अगर आप दिल्ली की बात करेंगे वो 850 के बीच में पड़ता है, और अगर आप VXi, जो कि मैंने VXi मॉडल लिया है, इसकी बात करेंगे तो ये 950 के आसपास आपको पड़ता है। 950 की रेंज में आपके पास 2-3 ऑप्शन होते हैं। 10 लाख की रेंज में अगर मैं बात करूँ तो 2-3 ऑप्शन होते हैं आपके पास, जैसे आप टाटा में जा सकते हैं, हुंडई में जा सकते हैं, कार आपको भी बताऊंगी उनकी कौन कौन सी आती है, बट किसी में भी 1500 सीसी का इंजन नहीं है, सभी में 1200 सीसी टर्बो है, 1000 सीसी टर्बो है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये इसमें ये चीज़ है कि 4 सिलेंडर 1500 सीसी इंजन है, कि इसमें एम्पल ऑफ पावर है, पुरानी वाली जो ब्रिजा थी डीजल वाली उससे बहुत ही ज़्यादा पावर है, मेरे पास डीजल वाली भी ब्रिजा है। और सबसे अच्छी चीज़ है जो कि आपको कॉम्पिटिटर गाड़ी में नहीं मिलती है, आप देख सकते हैं इसमें सबसे पहली चीज़ DRL है, आप DRL देख सकते हैं, गाड़ियों में अक्सर टॉप मॉडल में आती है, लेकिन ब्रिजा में VXi मॉडल से इसका। और ये टर्न इंडिकेटर भी वर्क करता है? टर्न इंडिकेटर भी वर्क करता है, मैं एक बार आपको चला के दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हो इसमें ये एज ए इंडिकेटर भी वर्क करता है, ठीक है। अभी मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, इसकी जो हेडलाइट है वो LED है, और वो भी प्रोजेक्टर हेडलाइट है इसकी, तो आपको एक बार मैं चला कर दिखा देता हूँ। ये इसका लोबी मैम, आप देख सकते हो, तो काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे आपको लुक आ रहा है, काफ़ी प्यारा लुक आपको देखने को मिल रहा है। तो ये ब्रिजा का VXi वेरिएंट से ही आपको ये वाले हेडलैम्प्स देखने को मिल जाते हैं विद DRLs। एंड एक चीज़ और है कि अगर आप LXi मॉडल भी लेते हो उसमें भी आपको प्रोजेक्टर मिलता है, लेकिन वो येलो वाला मिलेगा, हेलो, जो कि पहले ZDI में आता था। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी चीज़ है इसमें, अगर आप देखोगे कि इस सेगमेंट में आपको पुश बटन स्टार्ट नहीं मिलता, मेरी कार अभी स्टार्ट है, बट आप पुश बटन देख सकते हैं, कीलेस एंट्री है इसमें। और दूसरी चीज़, आपको ऑटोमेटिक AC किसी भी कार में नहीं मिलेगा इस रेंज की कार में, अगर आप 9 लाख या 9.5 लाख आप खर्च करते हैं। और बाकी सबसे मेन चीज़ जो ब्रिजा की है, जो मुझे अभी तक सबसे अच्छी चीज़ लगी है, वो है इसकी एवरेज। आप देखोगे मार्केट में 1200 सीसी या फिर 1000 सीसी टर्बो इंजन भी अगर आप देखोगे, तो उनकी भी जो एवरेज डिलीवर होती है वो 10 से 12 या मैक्सिमम 13 जो डिलीवर होती है सिटी में। अभी मैं आपको बोलूँगा कि आप कैमरे में शो करें, कस्टमर सभी वीडियो जो देख रहे हैं उन लोगों को, इसकी जो एवरेज है लोकल में, मैं आपको बता रहा हूँ, 16 किलोमीटर पर लीटर, जबकि कंपनी 17 का क्लेम करती है। कंपनी 17 का क्लेम करती है, लोकल में मुझे 17 की मिली है, और वैसे मैं इससे पहाड़ों पे भी जा चुका हूँ,
मैं केदारनाथ भी गया हूँ, इसे उत्तराखंड गया हूँ, 1200 किलोमीटर की ट्रिप मैंने मारी थी, मुझे कहीं भी 1% भी पावर कमी नहीं मिली है कि पावर की कमी हो। और बाकी कुछ एसेसरीज मैंने कंपनी से ही लगवाई थी जब मैंने ली थी, जैसे कि अलॉय व्हील्स मैंने इसमें इंस्टॉल कराए हैं कंपनी से। आपको ना टायर चेंज कराने की ज़रूरत है, 16 इंच इसके व्हील हैं और 16 इंच इसके अलॉय आपको कंपनी से ही मिल जाएंगे, जो कि आपको कॉस्ट करेंगे अप्रॉक्स 26,000 से 30,000 के बीच में। ये कंपनी के अलॉय है जो कि सबसे टॉप वेरिएंट ZDI या ZXI प्लस में आते हैं, ZXI में भी नहीं आते, ZXI प्लस में आपको डुअल टॉप। मैंने कोई भी टायर चेंज नहीं कराया इसमें, तो सेम प्रोफाइल के ऊपर है, आपको सिर्फ और सिर्फ अलॉय का यहाँ पर प्राइस चेंज कराने का लगा होगा। हाँ जी बिल्कुल, तो मैंने इसमें अलॉय चेंज करा लिया और थोड़ी बहुत और मॉडिफिकेशन करा कर ये बिल्कुल टॉप मॉडल की तरह बन गई है। तो ब्रीजा का लेने का रीज़न मैंने आपको बताया कि सबसे अच्छी चीज़ 1500 cc में इतनी पावर आपको मिल रही है और प्लस एक एवरेज पार्ट आपको जो मिल रहा है, और स्मूथनेस तो मारुति की पेट्रोल इंजन आपको पता ही है कि बहुत अच्छे इंजन होते हैं पेट्रोल इंजन के लिए, तो यही मेरा रीज़न था इसको। तो सर ये तो हो गई पॉजिटिव सारी बातें, तो एक बार और पूछना चाहूँगा, ये तो हो गया अपना, एक इसका डार्क साइड भी होगा कुछ आपके लिए कि इसकी आप कुछ नेगेटिव आपने अभी तक पाया हो इस गाड़ी के अंदर, ऐसा कुछ भी है? एक दो चीज़ें आप कह सकते हैं जो कि मारुति की थोड़े टाइम से कमियाँ चलती आ रही हैं, जो कि एक अगर आप प्राइस फैक्टर देखें तो उस प्राइस में कोई गाड़ी ऑफर भी नहीं करता आपको, तो मारुति करता है, तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा एडजस्ट भी करना होता है किसी चीज़ में, हर चीज़ आपको परफेक्ट नहीं मिलती है। इसके अगर आप डोर देखेंगे, डोर अगर आप देखते हैं या फिर थोड़ी सी ये वाली बॉडी प्लास्टिक क्वालिटी देखेंगे, वो थोड़ी कंपैरिजन अगर आप करते हैं टाटा से या फिर और कोई गाड़ी स्पेशली टाटा से, तो थोड़ी सी हल्की है मतलब अगर आप देखेंगे। बट अच्छी चीज़ ये है कि गाड़ी में अगर आप लेते हो तो आप ये चाहते हो कि आप सेफ़ रहें, जो अंदर लोग बैठे हैं वो सेफ़ रहें। तो आप सभी को शायद ये बात पता हो या ना पता हो, ब्रीजा को 4-star रेटिंग मिली है ब्रीजा को, तो ये चीज़ मत समझिए कि मारुति की कार है तो बिल्कुल ही ख़राब है, तो ब्रीजा को 4-star रेटिंग मिली है, और बाकी जो कार हैं उनको जो भी मिली है जो भी रेटिंग है उनकी होगी, बट ब्रीजा की भी 4-star है, तो आप इस चीज़ से श्योर रहिए कि आप एक सेफ कार में बैठे। मतलब थोड़ा सा नेक्सॉन में ही आपको कह सकते हो मार खाती है हल्का सा, वो भी बिल्ड क्वालिटी के लिए, बाकी तो इसके आगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, वही चीज़ें इसमें आप, पेट्रोल इंजन है और अच्छा इंजन है, बड़ा इंजन है, तो वहाँ पे इसका ये पॉजिटिव पॉइंट है। तो बस यही एक नेगेटिव पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट या फिर लैक है कि थोड़ी सी बॉडी इसकी आगे बम्पर क्वालिटी और साइड क्वालिटी ये थोड़ी सी। और अगर मैं इसकी परफॉर्मेंस की बात करूं इंजन की, तो बात आपने बताई दी काफ़ी अच्छा इसका इंजन रिस्पांस रहा है, तो सस्पेंशन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का सस्पेंशन है, गड्ढे वड्ढे में किस तरीके का इसका रिस्पांस रहता है? देखो सस्पेंशन इसके ठीक है, मतलब आप कह सकते हो एवरेज से थोड़ा सा ऊपर है, अगर आप एवरेज देखोगे एक जैसे आपको टाटा में जो मिलते हैं सस्पेंशन जो होते हैं एक हाई क्वालिटी के सस्पेंशन होते हैं, वो मारुति की आपको शायद उस कार में किसी भी कार में नहीं मिलेंगे। सस्पेंशन अच्छे हैं इसके, सस्पेंशन में ऐसा आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी सिटी में अगर आप राइड करते हैं, बट एक जैसे आप गड्ढे में बम्प हो रही है या वो हो रही है, तो आप कह सकते हो कि थोड़ा सा बेटर कर सकते थे मारुति वाले, बट वही वाली बात होती है कि प्राइस रेंज एक होती है, वही प्राइस चेंज हो जाता है, वही मार्केट में 11-12 lakh का हो जाता है, तो इस प्राइस रेंज में अच्छा है। और सर एक और चीज़ पूछूंगा कि जिस तरीके से इसकी सीटिंग है 5% के लिए सीटिंग दी गई है इसकी, तो उसमें आपको कितना कंफर्टेबल आता है या नहीं आता, किस तरीके की सीटिंग आपको लगती है आगे पीछे किस तरीके की? देखो अगर आप 4 लोग बैठाते हैं कार में, 4 लोगों के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है, आपको आगे की सीट में भी अंडर थाई सपोर्ट भी मिलेगा, सब चीज़ें मिलेंगी आपको, अच्छी सीटिंग है। बट अगर जहाँ पे अगर आप 5 adult आप बैठाना चाह रहे हैं, तो ये क्योंकि प्रॉपर SUV तो है नहीं, प्रॉपर SUV अगर जैसे कि जो भी कार है मार्केट में तो उनमें आप 5 आराम से बैठ सकते हैं, 5वां अगर आपका वेट है मतलब 80 से नीचे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तीनों लोग जो पीछे बैठे हुए हैं। बट अगर जैसे थोड़ा सा अगर बड़े लोग बैठे एडल्ट बैठे तो हल्की फुल्की बीच वाले को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है एडजस्ट करने में, क्योंकि वो बेबी सीट होती है एक तरीके से। बाकी ये है कि आप अगर जाना चाह रहे हैं लंबे टूर पर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, बट सिटी पर्पज से आप आराम से 5 बैठ सकते हैं। ठीक है सर, एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, जैसे कि आपने कहा कि आपके पास डीजल वाली ब्रीजा भी है और ये पेट्रोल वाली ब्रीजा भी है, तो दोनों के बीच में आप क्या कहना चाहोगे, क्योंकि थोड़ा बहुत फीचर का डिफरेंस तो आया है पुरानी वाली ब्रीजा से इस वाली ब्रीजा के अंदर, इंजन का भी आपको दोनों में डिफरेंस देखने को मिलता है, तो अगर आप कहो कि दोनों में आपको क्या मेन आपको क्या फर्क लगता है? देखो मेन फर्क ये है, सबसे पहली चीज वो 1200 cc 1300 cc डीजल इंजन है, तो उसमें हमें जो कमी आपको लगेगी एक पिकअप में लगेगी आपको कमी, क्योंकि 1300 cc इंजन और इतनी बड़ी कार में वो इतने डिलीवर नहीं कर सकता। बट उसका भी एक प्लस पॉइंट है कि उसकी जो एवरेज है वो 21 से 22 का आपको आराम से हाईवे पे दे देती है, और अगर आप लोकल की बात करोगे 18 से 19 का मिलता है। बट
इसका जो पिकअप है कार का और इस एवरेज में, तो ये एक इसका प्लस पॉइंट है पेट्रोल गाड़ी का। और इसमें इंजन नॉइज़ बिल्कुल भी नहीं है। जैसे अगर डीजल कार आप मारुति की देखेंगे या आप ब्रीजा में देखेंगे, उसमें केबिन में नॉइज़ आती है इंजन की, जो कि इसमें 1% नहीं है। अगर ये कार स्टार्ट खड़ी है, आपको अगर एक जगह पे स्टेबल है, आप बता भी नहीं सकते कि कार स्टार्ट है। ये सबसे प्लस पॉइंट। तो सर एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आ गया, वो पूछ लेता हूँ कि मारुति ने, आपने भी सुना होगा, मारुति ने अपने डीजल इंजन बंद कर दिए हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो अगर आप क्या कहना चाहते हो कि डीजल में 1.5 पेट्रोल जो लॉन्च किया है ब्रीजा के अंदर, इसी को 1.5 डीजल में लॉन्च कर देते तो क्या ये ठीक होता आपकी राय से? अभी इस टाइम पे, क्योंकि गवर्नमेंट के नॉर्म आपको पता है कि 10 ईयर्स की लाइफ कर दी है गवर्नमेंट ने डीजल इंजन की, तो अभी नॉर्मल भी अगर जैसे बाकी जो कॉम्पिटिटर है उनके पास डीजल इंजन भी है, तो आप डीजल की कंपैरिजन कर सकते हैं। पेट्रोल कार इस टाइम पे ज़्यादा सेल हो रही है, तो अगर इस कार में अगर डीजल इंजन आता है तो उन लोगों के लिए फ़ायदा है जिनकी रनिंग 50 किलोमीटर से ज़्यादा है, 50 किलोमीटर या 50 किलोमीटर से ज़्यादा रनिंग है, तो उनके लिए कॉस्ट एफिशिएंट, क्योंकि मारुति पहले से ही एक एवरेज के पर्पज से कॉस्ट एफिशिएंट कार रही है। तो अगर इसमें मारुति 1500 सीसी का अगर वापस से डीजल इंजन लेकर आती है, तो एक बहुत प्लस पॉइंट होगा जिसकी 50 किलोमीटर से ज़्यादा की रनिंग होगी उन लोगों को। एक एडिशनल ऑप्शन मिल जाएगा, एक एडिशनल ऑप्शन मिल जाएगा जो जिनको 4-5 साल कार चलानी है और ज़्यादा किलोमीटर चलानी है उनके लिए। मतलब 1.5 पेट्रोल के साथ अगर आपको कहें तो आप काफ़ी खुश हैं इससे? बिल्कुल बिल्कुल खुश हूँ। स्पेशली अगर ऑटोमेटिक भी निकालेगी मारुति डीजल में, तो वो और ज़्यादा प्लस पॉइंट होगा। तो सर एक अगर मैं आपको ओवरऑल रेटिंग देना पूछूंगा इसे, कि आपको 10 आउट ऑफ रेटिंग देनी हो ब्रेजा पेट्रोल 1.5 की, जो आके आप इस वक्त गाड़ी यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी आप कितनी रेटिंग देना चाहेंगे? मैं इसको 8 रेटिंग दूंगा। तो सर एक ये क्वेश्चन आएगा कि दो नंबर काटने का क्या रीज़न? दो नंबर काटने का रीज़न सिर्फ इसके जो बिल्ड क्वालिटी है उसकी तरह उसके लिए, और जो इसके जैसे कुछ चीज़ें जो इम्प्रूव अगर मारुति कर सकती है आगे फ्यूचर में, तो वो करे। जैसे कि सस्पेंशन में अगर इम्प्रूव करे तो वो बहुत ज़्यादा बेटर होगा। तो सर अभी तक आपने कोई चीज़ फेस करी है कि कोई चीज़ खराब हुई हो या किसी चीज़ को रिप्लेस करवाया हो, ऐसे कुछ फेस किया है अभी? खराब अभी तक इस कार में कुछ भी नहीं हुआ है। इवन जो मेरी ब्रीजा है डीजल वाली, उसको 2.5 साल हो चुके हैं और वो ऑलमोस्ट 40,000 किलोमीटर चल चुकी है, उसमें भी आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। सर्विस सेंटर पर लेके जाते हैं, उसकी भी मैं आपको एवरेज सर्विस कॉस्ट अगर बोलूँ तो 6,000 से 7,000 रुपये में हो जाती है। और गाड़ी रनिंग कहाँ करते हैं ज़्यादातर, आप कहाँ चलाते हैं? मेरी जो है, मैं जैसे कि मेरा अपना एक ग्रुप है एडवेंचर क्रू राइडर्स के नाम से, तो मेरी जो ज़्यादातर रनिंग रहती है वो पहाड़ों में रहती है ज़्यादातर। मैं एक्सप्लोर करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पे। हाँ जी। तो सर का एक चैनल भी है, अगर आप चाहें तो सर का चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। किस नाम से सर? एडवेंचर क्रू राइडर्स के नाम से मेरा चैनल है, आप वहाँ पे सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं आप हमें। तो हम वीकेंड राइड करते हैं और बाकी हम कार से भी एक्सप्लोर करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कार 3,500 किलोमीटर चली हुई है, जिसमें कि 2 बार मैं इसको पहाड़ों पे ले जा चुका हूँ, केदारनाथ तक मैं गया हूँ, तो इसका बिल्कुल बहुत अच्छा रिस्पांस है। मैं मतलब कम्प्लीटली पहाड़ों पे चढ़ने पर इसमें कोई दिक्कत नहीं आती? पिकअप में 1% की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं पे भी आपको ये नहीं लगेगा कि आपको 4x4 कोई बड़ा इंजन होना चाहिए था, क्योंकि बड़ा पेट्रोल इंजन 1500 सीसी काफ़ी बड़ा इंजन हो जाता है। तो डीजल वाली मैंने देखा था वहाँ पे लैग कर रही थी, ब्रीजा की बात ही मैं आपसे कर रहा हूँ, बट इसको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो सर अपनी तरफ से आप कुछ और कहना चाहें इस बारे में कि इसमें? मैं अगर यही कहना चाहूँगा लोगों से, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर आपको चाहिए कि एक प्योर पेट्रोल इंजन आपको चाहिए 1500 सीसी का, जिसमें अच्छी एवरेज भी आपको साथ के साथ चाहिए, तो आप मारुति ब्रीजा के साथ बिल्कुल जाएं, अदरवाइज आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो सर की बातें आपने सुनी ली होंगी, काफ़ी अच्छा सर का फीडबैक रहा है, उसके लिए थैंक यू। उम्मीद है कि आपको इस फीडबैक से काफ़ी हद तक नॉलेज भी मिली होगी। तो आप एक बार देख सकते हैं, मैं आपको इसका स्पीडोमीटर भी दिखा देता हूँ कि कितनी इस कार की रनिंग हो चुकी है। तो चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कार जो है वो करीब 3480 किलोमीटर ही चली हुई है और तकरीबन 5 महीने ही पुरानी है। तो ये इसका रिव्यू था, आपको ये रिव्यू कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल वाहन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और भी कोई आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन जानना हो ब्रीजा के रिगार्डिंग या किसी अदर कार के रिगार्डिंग, तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। जल्द लौटेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।